डामू में आशीर्वाद यात्रा के 9वें दिन दो सड़क का हुआ शिलान्यास। बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत में मुखिया नवल किशोर झा ने आशीर्वाद यात्रा के 9वें दिन वार्ड नंबर 9 में दो सड़क का शिलान्यास किया। नवल झा ने बताया कि आशीर्वाद यात्रा के तहत अभी तक 9 दिन में 8 सड़क का उद्घाटन व करीब 2 दर्जन सड़कों का शिलान्यास किया जा चुका है, जिसका निर्माण कार्य बहुत जल्द सम्पन्न हो जाएगा। वहीं मुखिया के द्वारा आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान लोगों ने मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने, आवास योजना का लाभ नहीं मिलने, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन नहीं बनने, राशन कार्ड नहीं होने वही समेत चापाकल सहित विभिन्न समस्याओं को रखा। तदुपरांत मुखिया ने लोगों को विभिन्न समस्याओं का जल्द निदान करने का आश्वासन दिया है। वहीं पंचायत के लोगों ने मुखिया की आशीर्वाद यात्रा का क्षेत्र में चर्चा बना दिया हुआ है। इस यात्रा का लोग सराहना कर रहे हैं। पंचायत के महिलाओं समेत स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहला मुखिया है जिन्होंने घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुन उसका निदान करने का पहल शुरू किया है। वहीं मुखिया नवल झा ने बताया कि पंचायत के सभी वार्डों में आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों की समस्याओं को सुन उसका हल निकाला जाएगा। मौके पर उदय राय, गीता देवी, आलोक मुन्ना, सरोज चौधरी, मोहम्मद फिरोज, अवधेश मंडल, रामकिशन राउत, बिलट कामत, भोला पासवान, पंचू पंडित, ललन राय, राम प्रसाद मंडल, किशोर ठाकुर, कैलाश मंडल, संतोष मंडल सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण व मुखिया। की दिक्कत हुई रोड से? दिक्कत की हुई हमरा सबके? दिक्कत है बहुत। हां बहनी सब कह कि जेहो कह के मुखिया होई सेहो उठ गेले पीट ले पेट। सरपंच है सो पीटे है पेट, आगुआ जे होई सो पीटे है। ई रोड पब्लिक रह जाई नहीं। ई रोड के हम सब अपन छोड़ का दी रही छी। कते साल से गिरे छी? आई जहिए से लिखते ही बापू लगे राम। ई रोड जे है मुखिया जी द्वारा जे है शिलान्यास कर जा रहल छै। ई रोड बना देते कते की मुखिया जी के नाम लेब जाने जीवे ताले आ उ सरकारी गाछ में चल जेबे सेट। मुखिया जी का जो आशीर्वाद यात्रा चल रहा है 9वां दिन है, कैसा कार्यक्रम से चल रहा है अभी तक? वार्ड संख्या डामू पंचायत 1 से हम लोग चल करके सभी वार्डों में जो अब जितने भी 9 वार्ड किए हैं, मतलब आज पूरा हो गया है। जनता का काफी आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और हम लोग जिस कार्य को अभी तक नहीं किए हैं उस कार्य का हम लोग शिलान्यास मुखिया जी के द्वारा हो रहा है और जिसका काम हो चुका है उसका हम लोग उद्घाटन किए हैं। जनता का काफी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। अभी तक कितना सड़क का उद्घाटन हो चुका है? अभी तक लगभग 8 सड़क का उद्घाटन हुआ है और बाकी जो है सो 12-13 का जो है शिलान्यास हुआ है। जिसमें देखिए अभी तक जो हम लोगों का उम्र हुआ है जन्म से आज तक, आशीर्वाद यात्रा हम लोग कभी न देखे थे न सुने थे। ये पहला मुखिया जी हैं जो घर घर जा करके हर पब्लिक से मिल करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं और जो ऑफिशियल समस्या है उसका भी निदान करने का आश्वासन दे रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी तक 8 सड़क का उद्घाटन हुआ है, करीब 15 सड़क का लमसम शिलान्यास हुआ है और हम लोग मुखिया जी से यही आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके शिलान्यास जितना का हुआ है उस सड़क का भी निर्माण हो जाए। स्कूल में काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है जी। यहाँ के पंचायत में आये, यहाँ के वार्ड में आये, किन किन समस्या पर कहबे? धियापुता के की जरूरी है से सब तो देखते। इंदिरा आवास से मिलल है? हमरा है मिलल, धियापुता के नहीं मिलल। राशन कार्ड से मिले? नहीं, हमारा पुतू सब के नहीं मिली है। हमारा बेटा के खाली नाम है, नहीं तो पुतू सब के नहीं, पोता पोती के नहीं है नाम। उचित अनाज दे है राशन डीलर? हाँ दे है, हम माने हमारा बुढ़वा बुढ़िया सब के सब कुछ है। अरे कितना अनाज दे है? 30 किलो खरीद दे, 32 किलो। एक आदमी पर कितने किलो? एक आदमी पर 4 किलो। तब की है 4 किलो की? 5 किलो के है। डीलर के? डीलर के है? डीलर 5 किलो लिया है। की नाम से? दिलीप। दिलीप पासवान? हाँ। की नाम भेल अहाँके? रीता देवी। जी सर बताइए, ये सड़क जो शिलान्यास करने जा रहा है ये सब मुख्य कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखिए सबसे पहले तो डामू पंचायत अति पिछड़ा का पंचायत, अति माने इसमें विकास बहुत कम हुआ था पहले,
इस कारण अत्यंत पिछड़ा हुआ पंचायत है और हमको कार्यभार मिला तो इसमें विकास का कई जरिया जैसे बिजली की समस्या, उसके बाद सड़क की समस्या, उसके बाद राशन कार्ड की समस्या, उसके बाद पेंशन की समस्या और प्रधानमंत्री आवास की समस्या, इसकी समस्या दूर करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और इसी के तहत आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकाले हैं। हर गली मोहल्ले में घूमते हैं और वहाँ की समस्या हम लोग देखते हैं। इनका प्रमुख मुद्दा है 9 नंबर वार्ड का था, मुख्य सड़क से आपके गनोर पासवान है, गनोर पासवान के यहाँ तक एक सड़क जाती है, लगभग 1000 फीट होगा, तो मैं इसका शिलान्यास कर रहा हूँ। चूँकि यहाँ जो कहीं कोई विकास होता है तो सड़क से ही विकास होता है। उसके बाद बिजली विभाग से बात हुई है, उनके अधिकारी आकर के सारे मॉनिटरिंग करके गए हैं, सारा उनका सर्वे हो चुका है। मार्च से यह स्टार्ट होने लगेगा काम। आप देखिएगा कि डामू पंचायत में एक भी टूटा हुआ तार पोल नहीं रहेगा, जल्द ही समस्या दूर होगी और सारे जनता इसमें लाभान्वित होगी। बिजली और सड़क पे तो आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन राशन की समस्या जो इसमें डीलर मनमानी कर रहा है, 5 किलो के बदले 4 किलो अनाज दे रहा है, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको कहा भी है और फिर मैं कहता हूँ कि संबंधित जो अधिकारी है उनको अवगत करा रहा हूँ और मैं तमाम जनता से आग्रह करता हूँ कि वह 5 किलो जा कर के अनाज ले, चूँकि आपके डीलर आपके ही अनाज को काला बाजारी करके वो अपना मुनाफा कमा रहा है। इसको आप रोके, हम सक्षम हैं उनको कार्रवाई करने के लिए। आप लोग वहाँ जा करके 4 किलो अनाज न लें, 5 किलो अनाज लीजिए और उसमें अगर कोताही बरतता है कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता तो हमको हमारे पास शिकायत करें, हम उनका कंप्लेंट DM से करेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। अभी दिलीप पासवान का नाम आया है जो 5 किलो के बदले में 4 किलो ही राशन दे रहा है। मैं तो बता दे रहा हूँ, मैं इतने हमको लगता है कि 500 की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। मैं बता देना हूँ, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप 5 किलो अनाज लें, 4 किलो अनाज न लें। अगर आपको नहीं देता है डीलर तो कोई दिलीप पासवान हो चाहे कोई हो, इस पंचायत में जो दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता अभी कार्यरत हैं दोनों पर कार्रवाई सुनिश्चित है, कार्रवाई होगी, इसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे। क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि जिस दिन राशन मिलेगा उस दिन आप डीलर के पास पहुंचिएगा? पूर्ण विश्वास आप करिए, आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, हमारे बड़े भाई रोशन जी है उनको भी आमंत्रित करेंगे, आप लोग पीछे नहीं रहिएगा। आप देखिए कि कार्रवाई होती है या नहीं होती।